नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी सोसाइटी में बदलाव को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सोसाइटी में से कांग्रेस नेताओं को बाहर किए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सवाल उठाने वालों पर कुछ इस तरह से पलटवार किया। आप रिपोर्ट ये देखिए। नेहरू मेमोरियल सोसाइटी का सरकार ने किया पुनर्गठन। नए स्वरूप में नेहरू मेमोरियल सोसाइटी से कांग्रेस नेताओं की विदाई हो गई है और इसके साथ ही राजनीति भी गर्मा रही है। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल सोसाइटी का पुनर्गठन करते हुए इसके नए सदस्यों के नामों का ऐलान किया है। वहीं इसके सदस्यों में से कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और करण सिंह को हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नेहरू मेमोरियल में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई है। बीजेपी नेता अनिर्बन गांगुली, गीतकार प्रसून जोशी और पत्रकार रजत शर्मा को भी मेमोरियल सोसाइटी में जगह मिली है। इधर मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है और उनकी तंग नजरी का ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसी संस्था जो जवाहरलाल जी के लिए बनी हुई थी और जो लोग जवाहरलाल जी के समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, उन सबको अलग कर दिया जाए, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस मामले पर सफाई देते हुए सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया। हमारे इस प्रयास में मैं उल्टा प्रश्न करना चाहता हूं कि हमने किसी को हटाया, वो नाम तो कोई कह सकता है, लेकिन जिनको हमने रखा क्या वो किसी पार्टी विशेष के हैं? पीएम नरेंद्र मोदी नेहरू मेमोरियल के अध्यक्ष हैं, जबकि राजनाथ सिंह सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में बनवाया गया था, लेकिन अब इसे सेंटर ऑफ रिसर्च और म्यूजियम के तौर पर विकसित करने की योजना है। टीम न्यूज़ नेशन।